जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अयोध्या पहुंचे एक कवि ने अपने विचार को शब्द दिए, आप भी सुनिए। सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिले गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके मात पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण रूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। और अयोध्या आस्था ही नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत के मॉडल का भी साक्षी बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सरयू नदी के किनारे आस्था का सैलाब उमड़ा है। भक्ति और आस्था का ये शहर देश के लिए एक मॉडल भी बनने की राह पर है। अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलने का प्रयास भी जारी है। देश में पहली बार सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव उतारी गई है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने अयोध्या की सरयू नदी में इस नाव सेवा के नियमित संचालन करने जा रही है। जो बोट आप सामने जो अभी जा रहे हैं उसको आवाज है, इसको बिल्कुल पोल्यूशन भी नहीं, साउंड भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है ये बोट। नदी का शुद्धिकरण के लिए ये प्रोग्राम अभी शुरू किया है। बताया जाता है कि नाव के स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान देश के विभिन्न कोनों से खरीदे गए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये एक डुअल मोड ऑपरेटिव नाव है जो 100% सौर विद्युत ऊर्जा बेस पर काम करती है। बताया जाता है कि नाव 3.3 किलोवाट छत सौर पैनल से चलेगी। नाव की छत पर कुल 6 सौर पैनल हैं, जो 550 वाट बिजली ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इस नाव में 20 लोग एक साथ सवारी कर पाएंगे। और अयोध्या में सरयू घाट पर आरती की गई। रघुवर की नगरी सूर्य स्तंभों से जगमगा उठी। अयोध्या के सरयू घाट पर कल संध्या भव्य आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती में पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे पहले सरयू घाट पर आरती में राम भक्त लीन नजर आए। अयोध्या में कुछ ऐसा ही माहौल है, दिव्य और भव्य। अयोध्या में अब की राम की दिवाली मनाई जा रही है। इस बार की दिवाली ऐसी होगी जो सालों साल तक लोगों के जहन में रच बस जाएगी। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने खुशी में अपने घरों में दीप जलाई थी। और कहा जाता है तभी से दीपावली का त्यौहार शुरू हुआ। इस बार भी ऐसी दिवाली की तैयारी है। 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और इससे पहले अयोध्या ऐतिहासिक दिवाली मनाने के लिए तैयार है, जिसकी झलक सरयू के तट पर हो रही इस आरती में भी देखने को मिल रही है।